बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 21.3 के ऊपर बात चल रही थी, एक क्वेश्चन हमने बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया था इससे पहले। आज सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इस केस को भी डिस्कस किया था कि कैसे गैस करते हैं। और तमाम स्टूडेंट लाजमी तौर पर पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें तमाम तफसीली बात बताई हुई है। और तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में आप जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन का ये केस नंबर 3 है, और इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्स का स्क्वायर होता है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता कि जिससे ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, और ऐसा होने पे ये फाइनल डिसाइड हो जाएगा कि ये केस नंबर आपका 3 है। और इसकी पोजीशन में फर्क आ जाता है, जैसे ही हम इसको लेट करते हैं तो x प्लस 1 हमारी 21.1 एक्सरसाइज की तरह है, और उस तरह होने की वजह से हम जब लेट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से इक्वल टू के बाद a वेरिएबल लेने के बाद अपॉन में x प्लस 1 पहले लिख देंगे, ताकि केस नंबर 1 की बात है जो कि हमें पहले से ही ऑलरेडी आती है। और उसके बाद जब ऐसा प्रोसेस आए कि एक्स स्क्वायर प्लस का 10, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 10 आएगा, तो याद रखें कि इस सूरत में हमें करना यह है, हमें b के साथ x की पावर 1 लिखनी पड़ेगी और प्लस c लिखना पड़ेगा। यानी अगर आपको ये बात मुकम्मल तौर पर समझनी है तो आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर x की पावर 1 होती है तो एक तरह से जब a सपोज किया जाता है तो इसके साथ x की पावर 0 होता है, और अगर यहाँ x स्क्वायर है तो b के बाद x की पावर 1, फिर c x की पावर 0, यानी कि अकेला c भी लिखा जाए तो बात एक ही है। और कल को आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि x की पावर क्यूब है, और क्यूब होने पे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेकिन चूंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है और क्लास टाइम के लिहाज से वो बहुत लेंथी समझा जाएगा, इस वजह से बुक वालों ने बड़ा अच्छा किया कि ऐसा नहीं दिया। और इसके बाद जो है हमने इसको नंबर 1 कह देने के बाद बिल्कुल पहले की तरह हमने एलसीएम लिया है, और जो बच्चे एलसीएम में बहुत ज्यादा वीक है, मैं शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा होता है, तो अगर आपको यहाँ एलसीएम लेना नहीं आता तो आप यही वाली टर्म जो है वो यहाँ पे भी उतार सकते हैं। और उतारने के बाद बस ये आप जहन में रखें कि एक्स प्लस 1 जब एक्स प्लस 1 से कैंसिल होगा तो ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा। इसे याद रखना कोई मसला नहीं है, बहुत ईजी बात है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बी एक्स प्लस सी जो कि दो टर्म्स पे मुश्तमिल है, इसके साथ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद जैसे ही दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल किया जाएगा, अगर आप देख रहे हैं कि मैंने इसे इस तरह से लाइन मार के क्रॉस नहीं किया, तो सिर्फ इसलिए कि जाहिर सी बात है जब वीडियो बनाई जाती है तो हमें दिखाना होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। अगर मैं इसको कैंसिल यहाँ पे कर देता तो आपको शायद दिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोग इसे यहाँ पे कट कर दीजिएगा। अभी भी इसलिए नहीं कर रहा कि बार बार वीडियो कैप्चर नहीं होती तो दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 21.3 एक्सरसाइज है, जो बाय मिस्टेक मैं 4 लिख चुका था, जिसकी वजह से वीडियो मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है। तो अब यहाँ पे जैसे क्रॉस कट हो गया तो हम इसे नंबर रिलेशन नंबर 2 कहेंगे, और ये टाइप नंबर 1 में भी होता था, यानी 21.1 में भी हो रहा था इस तरह, और 2 में भी हो रहा था। लेकिन इसके बाद हमने करना क्या है कि जैसे x प्लस 1 है, इसको 0 के इक्वल रखते हुए यहाँ से वैल्यू निकाल के नंबर 2 में हमने जहाँ जहाँ x है उसकी जगह उसकी वैल्यू -1 रख देनी है। और ये चूंकि कई बार ये काम हो चुका है, अगर आप मेरी वीडियोस के लेक्चर शुरू से देख रहे हैं तो मेरा ख्याल से अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्म बताऊँ कि वैल्यू रखने के बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -1। लेकिन वो देखने वाले स्टूडेंट जो आज ये पहली वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल सीखने के लिए आपको 21.1 के पहले लेक्चर से यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो अब चूंकि हम थोड़ा सा फायदा उठाएंगे इसे जल्दी एक्सप्लेन करते हुए, कुछ चीजें आपको जो पहले से रिलेटेड है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब रिलेशन नंबर 2 से हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से करना होगा कि आपने ऐसा रिलेशन बनाना है जैसे एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिख दिए जाए, और बाकी मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक समझेंगे तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। जैसे ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया, और ए को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इसके साथ नहीं आएगा, जबकि इस जानब देखते हैं तो ये दो टर्म्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये बी एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स स्क्वायर मजीद इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से नहीं बन सकता। तो अगर हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो बड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन अगर जीनियस स्टूडेंट आप बनना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट टेक्निक सीखें जिसमें आप टाइम को सेव कर सकें। तो बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर के दो टर्म हमें हासिल हुई है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा बिल्कुल वैसे ही नंबर 2 से चल रहा है। और फिर यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक ऐसा रिलेशन बनाया जाए जैसे कि यहाँ ए और बी आ रहा है जिसमें सी भी इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि सी को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो सी 1 दा सी है, यानी कोई भी एक्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम सी लिख चुके हैं, और 10 ए कैसे आया ये आपके जहन में आना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर आप देखें ए को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 ए आ जाता है। अब तमाम स्टूडेंट ये बात जान लें कि ये एक शॉर्ट मेथड है रिलेशन बनाने का, लेकिन इन केस अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर ये हो सकता है कि जैसे आपने रिलेशन नंबर 2 बनाया या आगे जाके शायद मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर दूं, तो आप इन तमाम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, एक्स वाले एक साथ लिख लो और कॉन्स्टेंट वाले एक साथ लिख लो, तो इस तरह आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपके दो मिनट आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अब आपने क्या किया कि इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और ए प्लस बी आ गया, और यहाँ पे चूंकि एक्स नहीं था तो हमने ब्रैकेट करके लिख दिया। अब यहाँ पे करना ये है कि ए प्लस बी जो है वो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, और कोई भी टर्म यहाँ मौजूद ना हो तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 0 है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे दुनिया भर की हर चीज़ है तो ये बात गलत नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे आपके जो है बादाम भी है और आपके यहाँ पे बहुत किस्म के फ्रूट्स भी हैं, बहुत किस्म के लोग भी हैं, इमरान खान भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आ रहे, उनका कोफिशिएंट 0 है। याद रखें कि हर नंबर यहाँ मौजूद है, हर शख्स यहाँ मौजूद है, हर चीज़ यहाँ मौजूद है, लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट 0 ले लिया जाएगा। तो ए प्लस बी को हमने 0 के इक्वल ले लिया, और उसके बाद हमने रिलेशन नंबर 3 का, और इसी तरह ये कॉन्स्टेंट है यानी कि एक्स यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ दूसरे अल्फाज में एक्स है तो उसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे -5 लिखा है, तो हमने इन दोनों टर्म्स को क्या करना है कि -5 के इक्वल रख के अब यहाँ नंबर 3 बोला, यहाँ नंबर 4 बोल दिया, और उसके बाद हमने करना क्या है कि ये जो वैल्यूज निकली है ए की मालूम की है -1, इसका हमने फायदा उठाना है। और किस तरह से उठाना है कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख के हमने बी की वैल्यू 1 मालूम कर लिया, और अब चूंकि हमारे पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी यहाँ से निकाला जाएगा, तो यकीनी तौर पर ए की जगह जब यानी 10 ए की जगह हम ए -1 रख देंगे, तो इस तरीके से हमारा सी भी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि ए की वैल्यू को पुट कर देना है, नंबर आपका रिलेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे 10 ए लिखा था लेकिन अब -1 आ चुका है और यहाँ पे सी है, और इसी तरह इक्वल टू के बाद -5 है, तो प्लस माइनस माइनस का 10 हुआ, और यहाँ पे ये प्लस लिखा है नोट कर लें, ठीक है, बाय मिस्टेक ए बन गया था लेकिन ये प्लस है, तो -10 यहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो +10 आ जाएगा, 10 में से 5 लेस करेंगे तो सी इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। अब तमाम वैल्यूज को यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन नंबर 1, तो 1 रिलेशन चूंकि हमारे इससे पहले पेज पे था तो यहाँ पे ए था, अब ए की जगह -1 लिख दिया, और यहाँ बी एक्स था लेकिन बी की वैल्यू चूंकि 1 थी जिसकी वजह से 1x होता है, और सी हमारे पास ये नजर भी आ रहा है 5 है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है और पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है और 1 टर्म 2 टर्म में शिफ्ट हो चुकी है। पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा न्यूमिनेटर को, अच्छा तमाम बच्चे एक बात ध्यान में रखें जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक्स की पावर यहाँ 3 है और नीचे एक्स की पावर ग्रेटर होनी चाहिए, और हमें मल्टीप्लाई तो नहीं करना लेकिन चेक कर लेना है कि यहाँ पे ग्रेटर आ रही है, तो देखिए एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 होगी। तो तमाम बच्चों को मैं बता चुका हूँ कि 21.1 के लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं वहाँ पे डिवाइड का प्रोसेस हो रहा है, और वो इसी वजह से हो रहा है कि ऊपर की पावर जो है वो बड़ी हो या फिर इक्वल हो, जैसे यहाँ अगर एक्स क्यूब है तो नीचे भी एक्स क्यूब हो, इक्वल नहीं होनी चाहिए हमेशा, नीचे की जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें आपके एक्स की पावर जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए बनिस्बत न्यूमिनेटर में एक्स की पावर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पोजीशन इसकी इस तरीके से करनी है कि अगर देखा जाए तो ये आपका केस नंबर 2 और केस नंबर 3 का मिक्सअप है, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर देना केस नंबर 2 है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स के ऊपर स्क्वायर है लेकिन फार्मूला यूज नहीं हो रहा, तो ये केस नंबर 3 है। तो इसकी पोजीशन इस तरह से होगी कि पहले केस नंबर 2 को हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका कि ए अपॉन पहले एक्स ले लेंगे, फिर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर लेंगे, इसके बाद केस नंबर 3 की जो बात थी वो ऑपरेट करनी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो, तो जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में बताया सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और इसे नंबर 1 कह देंगे, और इसी तरह से हमने एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद एक्स से एक्स एक पावर कम होने के बाद एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और इसी तरह बी से भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल होने के बाद सी एक्स प्लस डी से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे वाला नीचे से कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद रिलेशन नंबर 2 बन चुका है जैसे कि पहले से ही बनता आ रहा है और हम बताते आ रहे हैं आपको। तो अब यहाँ पे हम सिलसिला हमारा इस तरीके से है कि x जो स्क्वायर में दिया है तो एक तरह से यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और 0 वैल्यू आएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो फिर एक्स का स्क्वायर रूट भी ले लें तो 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगता, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो अब हमें तो ग्रेटर जो पावर है उसके लिहाज से बी की वैल्यू निकल रही है,
ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। और जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि अब नंबर 2 रिलेशंस को जहमत देते हुए हमें बी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जिसमें बी सी डी सॉरी ए बी ए सी डी की वैल्यू भी हम मालूम कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन हम इस तरह से बना रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर देख ले कहाँ से मिल सकता है, तो एक्स स्क्वायर हमें इस तरीके से मिल सकता है कि यहाँ अगर आप छोड़ दें तो बी एक्स स्क्वायर यहाँ से एक मिल गया और यहाँ से आपके पास डी एक्स स्क्वायर एक मिल गया। तो यानी कि हमारे पास जो रिलेशंस बन रहे हैं इसमें हमने ये देखना है कि आप चाहें तो एक्स स्क्वायर के लिहाज से रिलेशन बना लें, एक्स क्यूब के लिहाज से बना लें, एक्स की पावर 1 के लिहाज से बना लें। तो चूंकि 2-3 तरीक़ेकार हों तो जाहिर सी बात है मैंने तो एक ही तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो एक 2-3 स्टेप्स इसमें ज़्यादा होते हैं अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन मैं आपको आगे जाकर इस तरह से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं या प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखो अगर मैं ए एक्स को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए एक्स क्यूब आता है, तो यहाँ से भी मैं रिलेशन बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ चले नीचे बना हुआ है इसको देख लें आप कि ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स क्यूब आ गया, और अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स नहीं है 5 के साथ, तो क्यूब आने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ चांसेस हैं कि एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स क्यूब आ जाएगा, तो लिहाजा एक एक्स क्यूब की टर्म यहाँ से बन रही है, एक यहाँ से बन रही है, दोनों को हमने एक साथ लिखा है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -4 है जिसको कि हमने इक्वल रखा है, और यहाँ से ए प्लस सी का रिलेशन 4 बनाया है। और ये बात जैसे कि मैंने रोक दी थी इसी तरह कि अगर हम ये पहले बनाते हैं तो फिर सेकंड टास्क हम स्क्वायर का बना लेते हैं, तो यहाँ से हमें स्क्वायर नहीं मिल सकता क्योंकि एक्स क्यूब मिलेगा यहाँ एक्स मिलेगा, यहाँ बी एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म है वो है 5x स्क्वायर, तो इसको हमने एक साथ लिखते हुए यहाँ से बी प्लस डी का रिलेशन 5 के इक्वल बना के नंबर 3 कर दिया, क्योंकि बी की वैल्यू आई हुई थी तो बी की हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू रखी तो डी 2 आ गया। और बी और डी मालूम करने के बाद यहाँ पे जो रिलेशन बना है इसमें आप देखें ए और सी है, तो ये हमारे लिए एक प्रोसेस ऐसा बन गया कि जिसमें हम जो है ना तो डी की वैल्यू रख सकते हैं ना हम बी की रख सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि अब हम यहाँ से कौन सा एक रिलेशन बनाएं जिससे कि हमें ए या सी दोनों में से कोई एक नंबर हासिल हो जाए। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम 5x चूंकि एक्स स्क्वायर वाले हमने ले लिए हैं, एक्स क्यूब वाले ले लिए हैं, तो एक्स की पावर 1 या कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ए एक्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ए 5ax आ जाएगा जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नोट है। लेकिन उसके बाद एक्स की पावर 1 ना तो यहाँ पे मिल रही है और ना ही ना यहाँ पे मिल रही है, तो लिहाजा ये काम स्टार्टिंग में भी हो सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन की जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी कमांड होगी, याद रखें हर क्वेश्चन का 5 टाइम आप करेंगे तो आप जीनियस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ चुकी, तो किस तरह के यहाँ पे 5ax आया था यहाँ से, और यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो 1 वाले कोफिशियंट के साथ 5 था, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। और याद रखें कि आगे चलने से पहले मैं एक बार बता दूं कि ये तो आपने सुना होगा कि नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है, और याद रखें कि कभी भी आप पेपर के दौरान अगर आपसे कोई जीनियस है और आप अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी सही हो सकते हैं और आगे वाला भी सही हो सकता है, लेकिन तरीका दोनों का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है कि ये सबसे टॉप पे ये ए की वैल्यू निकाल रहा हो आप बाद में निकाल रहे हो। तो ये तमाम बच्चे सुन लें कि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर 6 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो मुमकिन है कि 4 सही कर रहे हो 2 गलत कर रहे हो, लेकिन तरीक़ेकार में सब में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन रिजल्ट सबके सेम आते हैं। और बुक के अंदर उन्होंने A1, A2, A3 लिया है, मैंने इसको इसलिए नहीं लिया कि सेकंड ईयर के अंदर भी हम ए बी और सी और डी लेते हैं, लेकिन A1, A2 में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं शुरू की वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी जगह हम बाय मिस्टेक अगर A1 लिखना भूल जाएं या A2 को A1 लिख दें तो A तो सारे ही होंगे, तो हम कैसे आपस में ABCD की वैल्यू बना सकते हैं। तो यकीनी तौर पर ये बात आपको समझ आती है, और वैसे भी जब मार्केट में नई बुक आती है तो क्या होता है कि यही तो तब्दीलियां होती है कि किसी साल ABC कर दिया तो किसी साल A1 A2 कर दिया, और कहा यह है कि नई बुक मार्केट में आ गई है, तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। की वैल्यू 1 आ चुकी है जो कि हमने रिलेशन नंबर 4 में रखे, सी की वैल्यू को फाइंड किया है जो कि -5 आ चुकी है, आप पुट कर देंगे ए बी सी और डी की वैल्यू नंबर 1 रिलेशन में, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू पुट करने के बाद हमारा बुक का आंसर मैच हो गया है, और इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।